एक बहू अपने ससुराल से आखिर क्या चाहती है। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ फ़ायदा मिले। सुमन ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। कुसुमा जी ने कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊँगी। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कुसुमा जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे किरण सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है, आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आ जाओ। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर किरण का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नज़र आती। मैं भी तो दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी का जब मन होता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आँखें खुलें और उसे मेरी थकावट भी नज़र आए। शाम तक भगवान ने जैसे किरण की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। कुसुमा जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया, पहले तो कभी तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, अब इस बार भला क्या हो गया, लाओ मेरी बात कराओ, मैं उसे समझाती हूँ। सुमन ने फ़ोन अपनी सास को दे दिया। कुसुमा जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल सुमन कल त्यौहार है इसलिए अपने मायके आना चाहती है, अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। सुमन की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी, वहाँ आपकी बहू किरण की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप के दौरान कुछ उनकी बातों से पता चला कि किरण को साल में एक ही बार मायके जाने को मिलता है और बहुत ही कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले किरण को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं सुमन को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है कि आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है सुमन के वहाँ आने से उसकी सेवा कराने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसे घर में कैद करके रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह आपके खिलाफ़ बोलने लगेगी, फिर वह आपके सुनेगी भी नहीं, जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए इससे अच्छा है कि आप कुछ ही बदलाव ले आएं जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास ख़राब ना हो। कुसुमा को अपने समधन की हर एक शब्द की सच्चाई नज़र आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू के ऊपर रखा। दूसरी तरफ सुमन भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती थी। कुसुमा जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेजने लगी। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी नंद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया।